शांति। सवेरे सुनाया था याद किसको कहते हैं और तपस्या किसको कहते हैं, समझ में आया? इसके ऊपर किसी को प्रश्न पूछना है तो बताओ, क्योंकि स्पष्ट पता होना चाहिए। याद क्या है? बाबा मुरली में कहता है बच्चे 8 घंटा योग नहीं कहता, याद कहता है। याद चलते फिरते खाना खाते सब कुछ करते किसी को देखते याद आया तो ये 8 घंटा कर सकते हैं। इससे विकर्म बनेंगे नहीं, लेकिन पहले बने हुए विकर्म विनाश नहीं होते, ये याद है। और तपस्या जो करता है अमृत वेला और शाम को निराकार स्थिति में स्थित होकर आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हो, उसकी शक्ति से विकर्म विनाश होते हैं। हमारे अंदर विकर्म है, क्या प्रूफ? स्वप्न बताते हैं। जैसे जैसे स्वप्न आना कम होता गया मना अंदर का पाप खत्म होता जाता है, दूसरा बुद्धि स्वच्छ होती जाती है। उसकी निशानी जो आप ज्ञान सुनते हो वो याद रहता है। बुद्धि स्वच्छ हुई, योग आपका ठीक लग रहा है, क्या प्रूफ? मुरली जो सुनते वो याद रहता है। तो इसका कहेंगे बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है। मुख से सामने वाला गुस्सा करता है, आपको आता है गुस्सा करना, लेकिन बाहर निकलता नहीं है, थोड़ा कंट्रोल है। तो ऐसे करते करते पूरा कंट्रोल हो जाता है। मुख से चाहते शब्द गलत निकलता है कभी कभी, जो बार बार निकल जाता धीरे धीरे का, तब ये सब निशानियां हैं कि हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है।